तो यहाँ पर दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का तो आप सभी को पता है कि ये पानी से बर्फ बना देती है, कोई भी लिक्विड आइटम डालो ये बर्फ बना देती है। हमने भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से शुरुआत की थी अपने कि आप भी अब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, 4G के बाद 5G आ गया है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आईफोन की बात करता हूँ, सैमसंग की बात करता हूँ, तो कंटिन्यू उनके अंदर भी अपग्रेड मॉडल आते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे तो आप अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब हमने इस मशीन को लॉन्च किया ना, तो इस मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा खूबी आती है। लेकिन जब मशीन बहुत सारे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हुई तो हमें पता चला यहाँ पर दोस्तों इस मशीन के अंदर भी कुछ कमियाँ हैं, क्योंकि जब हमने इसको मार्केट के अंदर पहली बार लॉन्च किया था तब ये बहुत ही अच्छी मशीन थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी बदलना पड़ा। और यहाँ पर दोस्तों आपने YouTube पे वगैरह इसी मशीन का कॉन्सेप्ट देखा है कि ये मशीनरी है, प्रोडक्शन निकाल रही है, लेकिन इस मशीन के अंदर भी कुछ कमियाँ हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है तो मैं आज यहाँ पे 3 और नई मशीनरी को लॉन्च करने वाला हूँ। इससे कुछ डिफरेंट मॉडल होगा, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर टेक्नोलॉजी होगी, और उसी के साथ प्राइस सेगमेंट अगर बात करते हो तो सेम प्राइस सेगमेंट रहने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों उस मशीन का मैं आपको लाइव डेमो करके बताने वाला हूँ, और वो मशीनरी आपके इससे 3 गुना ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है। तो चलिए कौन सी वाली है वो मशीनरी, तो यहाँ पर दोस्तों यह है कंप्लीट वाइड रेंज स्नोफ्लेक मशीन की, जो कि मैन्युफैक्चरिंग है राइट ह्यूमन, और यहाँ पर दोस्तों यह है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ जो कि मैंने आपको बताया था पुराना मशीनरी जो ऑर्डिनरी मार्केट के अंदर मिलती है, और उस मशीन के अंदर और इस मशीन के अंदर क्या डिफरेंस रहने वाला है, मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो YouTube पे अपलोड किया था, मैंने बताया था कि अब आप आइस स्नोफ्लेक मशीन को किस प्रकार से लगाकर बहुत ही अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हैं। 2 या 3 रुपए का प्रोडक्ट होता है मार्केट के अंदर, 20 रुपए के अंदर बेचना, 10 रुपए के प्रोडक्ट को 50 से 60 रुपए के अंदर बेचना है, वो सिर्फ एक आइडिया था कि आप बिजनेस कॉन्सेप्ट करिए मार्केट के अंदर, आपको अच्छा सा पैसा बनेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आपको बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास नई टेक्नोलॉजी आएगी तब आप उसका सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। इसी कारण से जब हमने जो हमारी पुरानी मशीनरी है आप देख पाओगे उसको हमने सेल आउट किया ना, तो कस्टमर के कुछ थी कमियाँ जिनको हमने इस मशीन के अंदर पूरा किया है, प्राइस सेगमेंट वो का वो रखा है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 मशीनें रहने वाली है डिफरेंट मॉडल के अंदर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर मेजर डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटी के। तो कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो जो ओल्ड मशीनरी आपने देखा ना, उसका जो प्रोडक्शन है ना वो 80 किलो 24 घंटे का था। वैसे उसका एक्चुअल जो प्रोडक्शन था वो 60 किलो 24 घंटे का प्रोडक्शन था, ठीक है। उसके अंदर अगर आपके पास 50 से 60 कस्टमर पर 1 घंटे के अंदर आते तो वो मशीन एकदम आपके लिए अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्शन कैपेसिटी को 3 गुना से भी ज्यादा कर दिया है, मतलब कि तो यहाँ पर दोस्तों इस मशीन का जो प्रोडक्शन है वो रहने वाला है 220 किलो 24 घंटे का प्रोडक्शन। मतलब कि अब आपके पास अगर घंटे के अंदर 300 प्लस कस्टमर भी आते हैं ना, तब इस मशीन से आप आसानी से सप्लाई है वो कर पाओगे। अब थोड़ा सा बड़ा मॉडल हम लेके आते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर कैपेसिटी रहने वाले 415 किलो 24 घंटे का प्रोडक्शन रहने वाला है। आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड डालो 24 घंटे इस मशीन को आप रन कर सकते हैं। बात करते हैं, ये हमारा सबसे बेस्ट मॉडल है, 3रा मॉडल है। प्राइस सेगमेंट भी थोड़ा इसका ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी रहने वाली इसकी 610 किलो 24 घंटे का प्रोडक्शन रहने वाला, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कैपेसिटी रहने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सिर्फ इसका एक ही अभी एडवांटेज बताया है कि इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, सबका 3 गुना हमने ज़्यादा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर हमने ऑटो क्लीन का भी फंक्शन दिया है, गियर सिस्टम भी दिया, उसी के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर हमने टच पैनल भी दिया, कैसा रहेगा सारा सिस्टम। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस मशीन को मैं आपको विस्तार से एक एक इसके अंदर क्या एडवांटेज है वो बताता जाऊँगा। साथ के अंदर ही हम इसका जूस कैसे तैयार कर सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था ना कि आप कोई भी थम्सअप ले लो, कोको कोला ले लो, पैप्सी ले लो, वो उसके अंदर डाल दो, या कोई भी अमूल कूल का डाल दो, इसके आपका है वो बर्फ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने खुद के ओवन ब्रांड नेम से माल तैयार करूं तो वो कैसे करूंगा, वैसे इसके साथ एक फॉर्मूला बुक आएगी जिससे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इसका रॉ मटेरियल भी हमारे पास मिल जाएगा कि इसके अंदर किस प्रकार से माल तैयार करना है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं
कि किस प्रकार से इसका हम माल तैयार करेंगे, और उसी के साथ साथ आपको एडवांटेज भी बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि रॉ मेटेरियल इसका है वो किस प्रकार से तैयार करेंगे। वैसे इसका रॉ मेटेरियल तैयार करने के 3 अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। वैसे पानी के साथ अगर आपको तैयार करना है उसका पूरा रेसिपी अलग रहेगा, दूध के साथ अगर आपको करना है उसका रेसिपी पूरा अलग रहेगा, बर्फ के साथ अगर आपको करना है तो उसका रेसिपी अलग रहेगा। तीनों की रेसिपी अलग अलग रहेंगे। उसके अंदर मैं आपको नॉर्मल से बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको तैयार करना है। अभी हाल फिलहाल में पानी वाला कर रहा हूँ, अगर आपको दूध वाला करना है तो वो भी सेम इसी प्रोसेस के साथ हो जाएगा। अब जब ये तैयार होगा ना कंप्लीट प्रोसेस, उसके साथ साथ में मशीन के बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहने वाले हैं। एक एडवांटेज ही अभी तक मैंने बताया कि इस मशीन का प्रोडक्शन जो हमारी पुरानी मशीनरी थी जो मार्केट के अंदर ऑर्डिनरी सेल हो रही है उससे जस्ट 3 गुना है उसी प्राइस सेगमेंट के अंदर। अब बात करते हैं, सबसे पहले चलिए बना लेते हैं किस प्रकार से ये जूस वगैरह वो तैयार होगा। मैं इसके अंदर ये डाल देते हैं। इसका अगर आपको फ्लेवर फ्यूचर के अंदर कभी भी चाहिए तो भी हमारे पास इसका फ्लेवर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम कॉस्टिंग आती है, मतलब कि अगर आप एक 20 रुपये वाला गोला तैयार करते हैं, चलो 10 रुपये वाला एक गोला तैयार कर लेते हैं, 10 रुपये वाला अगर आप गोला तैयार करते हैं ना उसकी कॉस्ट मुश्किल से मुश्किल रॉ मटेरियल की कॉस्ट 2 रुपये आने वाली है। अगर आप उसके अंदर कुछ चेरी वगैरह एक्स वाई जेड जो डालते हैं तो आप मान के चलो 4 से 5 रुपये उसकी कॉस्टिंग आएगी। 10 रुपये के अंदर बेच सकते हैं, 20 रुपये के अंदर भी इजी वे के अंदर बेच सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, अभी हम इसका फ्लेवर कर देते हैं। सबसे पहले हम मैंगो फ्लेवर बनाने वाले हैं। ये एक के अंदर हम तीनों मशीन टेस्ट करेंगे। ये मैंने इसके अंदर मैंगो का सेटअप कर लिया है। मैंगो के साथ कलर्ड तो वैसे ही हो गया कंप्लीट, आप देखोगे इसको मैं थोड़ा सा कलर है वो और कर देता हूँ। मैंने ये कलर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब हम कस्टमर को देंगे ना तो इसकी विजिबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि थोड़ा सा कस्टमर को वो अट्रैक्टिव करेगा, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास है ग्रीन मैंगो, यानी कि कच्ची केरी का फ्लेवर है, इसको भी मैं कर देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये डाल दिया फ्लेवर। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये वाला कलर, ये मैंने इसके अंदर कलर डाल दिया है, ठीक है। इसको कर देते हैं बंद। इसके बाद ये मेरे पास ग्रेप्स का फ्लेवर है, अंगूर का, ठीक है। ये भी मैं इसके अंदर चलो ऐसे डाल देते हैं अपन, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। वैसे अगर आपको वैसे ढक्कन से डालना पड़ेगा, इसका एक पूरी बुक आएगी इसी मशीन के साथ जिसके अंदर पूरी कंप्लीट रेसिपी लिखी हुई होगी। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ये मैंने लिया पानी, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया अपने ग्रीन के अंदर पानी, और ये मैंने कर दिया है तीसरे के अंदर पानी। और आप देखोगे कि मतलब कंप्लीट अपना है वो टास्क तैयार हो चुका है, ठीक है। पहले मैंने जो वीडियो बताया ना कुछ इस प्रकार की स्टिंग हो गई या थम्सअप कोको कोला लिमका से बनाया था, दूध से बनाया था, अमूल कूल के दूध से, लेकिन ये पूरा का पूरा सेटअप चेंजेज है, मतलब कि बहुत ही कम कॉस्टिंग के साथ। अब ये इसके जो स्पेशली ढक्कन आते हैं ये मशीन के लिए ही बनाए गए हैं। इस ढक्कन के अंदर क्या रहता है, एक बटन रहता है, मतलब कि बॉल्स रहती है जो कि आपका प्रेशर को कम करती है, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं हो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, पूरा लगा दिया। उसके बाद ये मैंने दूसरा लिया, ये भी इसके अंदर लगा दिया। लगा देने के बाद ये मैंने तीसरा लिया, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब एक एक करके इसको मशीनों के ऊपर अपन सेट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली पूरा लिक्विड तैयार हो चुका है, अब हम इसको मशीन के अंदर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये खास डिजाइनिंग की बॉटल इसी मशीन के साथ बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, 2 बॉटल्स पर मशीन के साथ, ठीक है। अब हम इसको उल्टा करते हैं ना तो ये 0% लीकेज के साथ, बिल्कुल भी आपका लीकेज नहीं होगा इसके अंदर। मैं यहाँ से इसको है वो लगा देता हूँ, ठीक है। ये आसानी से इसके अंदर आपके वो लग जाएगा, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी इस मशीन को उतना ही ये लेगा। अगर आप इसको पूरा का पूरा भर भी देंगे ना तो इस मशीन को जितना चाहिए ना, जितना बर्फ बनाएगा उतना ही है वो लेगा, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं ये दूसरी बोतल जो कि कच्ची कह रही है, देख ले सकते हैं, मतलब कि पूरा उल्टा कर दिया बिना किसी लीकेज के, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे है वो लगा देता हूं, इसको मैंने लगा दिया यहां पे, ठीक है, ये लग गया है। इसको मैं तीसरे को भी ले लेता हूं, इसको मैंने उल्टा कर दिया, उसके बाद इसको यहां पे है वो लगा देता हूं, ठीक है। अभी अपना है वो स्टार्ट हो गया है। अभी हम मशीन को स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले पहले आपको मैं मशीन की खासियत बता देता हूँ। मैंने यहाँ से इस मशीन को प्लग एंड प्ले, तीनों मशीनें आपके बीप की आवाज़ के साथ एक ही टाइम के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ये मशीन अपना स्टार्ट हो गया, बीप की आवाज़ कर दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे टच स्क्रीन पैनल की। तो यहाँ पर दोस्तों ये कमाल की टच स्क्रीन मशीन रहती है, इसको यहाँ से अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि इसको थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, ये स्टार्ट हो जाएगी। अब इस मशीन के अंदर आपको रोटरी स्टैंड है वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जब हम इसके ऊपर कोई भी
इस प्रकार से रखेंगे तो ऑटोमेटिकली डिजाइनिंग के अंदर है वो तैयार हो जाएगा। वो कैसे होता है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रोटेट करने का, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि इसने घूमना वो स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ से आप देखोगे मैं इसको बंद करता हूँ, ये बंद हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके अंदर अपने रोटरी स्टैंड है वो आ गया। अब इसके अंदर कुछ अलग से एडवांटेज के फीचर है, वो है कि आप इस मशीन को अगर आपको क्लीन करना तो यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपका बर्फ का गोला किस साइज का बनाना, बड़ा बनाना, छोटा बनाना, स्मॉल बनाना, वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको रोलर को स्पीड साइड कंट्रोल करनी है तो यहाँ से आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं इस मशीन को डायरेक्टली स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने यहाँ से इसको कंटिन्यूज पे क्लिक कर दिया और आपका मशीन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने दूसरे मॉडल की, जो कि बहुत ही कमाल का मॉडल रहने वाला है। इस दूसरे मॉडल के अंदर भी हमने टच दिया है, वो भी ऑन ऑफ के लिए टच दिया, वॉशिंग के लिए कंटिन्यू टच दिया है, और यहाँ से आप रोलर की साइज को, स्पीड को है वो कम ज्यादा है वो कर सकते हैं। और ये स्पेशली इसके अंदर हमने दिया रोटरी स्टैंड, और इस मशीन ने अपना काम है वो स्टार्ट कर दिया। आप देख पाओगे कि मतलब कितने अच्छे ढंग से ये कंटिन्यू अपना प्रोडक्ट है वो निकाल रही है। आप देखोगे कि तो मतलब कि किस प्रकार से अपना प्रोडक्ट है वो निकाल रही है। मैं ले लेता हूँ, एक मैंने प्लेट ली, ठीक है, और कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा कंप्लीट बर्फ का गोला तैयार हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा साइज इसका बड़ा देते हैं, रोलर का स्पीड है वो तेज हो गया। मतलब क्या प्रोडक्शन देखिए कितना अच्छा आपके प्रोडक्शन है वो हो रहा है। यहाँ से इसको अलग अलग डिजाइनिंग के अंदर भी आप है वो सेट कर सकते हैं। ये आपका बर्फ का गोला कंप्लीट है वो तैयार हो चुका है अलग अलग डिजाइनिंग के अंदर। जब हम तक रिटर्न आएंगे ना इस मशीन के अंदर, तो इसके अंदर इतना बड़ा सा ढेर है वो लग चुका होगा। ये बर्फ का गोला आपके तैयार हो चुका है, इसके ऊपर कुछ भी चेरी वगैरह आप डाल के इसको अच्छे से मतलब कि पेश कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरा अपना जो मॉडल है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉडल है। इसके अंदर हमने वॉश का भी इसके अंदर सिस्टम दे दिया है, इसको ये टच पैनल है पूरी तरीके से, और यहाँ से नॉब दिया है जिससे आप इसकी स्पीड को कम तेज है वो कर सकते हैं। एक दिया है यहाँ पे रोटरी स्टैंड, रोटरी स्टैंड हमने देने का कारण ये है कि अगर आपको गोला डिजाइनिंग के अंदर बनाना है तो इस प्रकार से आप इसको घुमा के वो मतलब कि बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इस मशीन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इस मशीन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इस मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये मशीन और इस मशीन को चलिए स्टार्ट कर देते हैं, और इस मशीन ने अपना रोलर ने अपना काम है वो स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे कुछ ही सेकंड के अंदर मशीन ने अपना बर्फ है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ देख पाओगे कि मशीन है वो बर्फ कंटिन्यू, मतलब कि जस्ट 5 सेकंड के अंदर अपना मशीन है वो मतलब कि मशीन बर्फ बनाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ से अपन इसकी स्पीड को भी कम तेज है वो कर सकते हैं। मैं अभी इसको फुल स्पीड पर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके अंदर अपन ले लेते हैं, मैंने ये लिया एक कटोरी और इसके ऊपर यहाँ पे रख देते हैं। वैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी रख सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये डिज़ाइनिंग जो भी इसके डिज़ाइनिंग करनी है मतलब कि पूरा का पूरा सेटअप इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर कम करते हैं तो कम के अंदर और भी अपनी जो है वो अच्छा डिज़ाइन आएगा। ये देखिए आप, मतलब कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपका बर्फ़ का गोला कंटिन्यू है वो बन रहा है। बहुत ही अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये अल्टीमेट प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। 2 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर 20 से 25 रुपये के अंदर आप आसानी से वो बेच पाओगे। अब मैं यहाँ पे दोस्तों आप बता सकता हूँ कि ये मशीन अपना स्टार्ट कर दिया काम, मैं आपको क्लीनिंग का भी बताऊँगा, ठीक है। और ये आपका फाइनली कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट है वो तैयार हो चुका है। चलिए इसको भी अपन रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर दोस्तों ये रहने वाला है सबसे टॉप मॉडल, जो कि आपने देखा होगा वीडियो के अंदर मैंने बताया था, जिसको हमने अपग्रेड कर दिया है। इसके अंदर भी सेम फीचर रहने वाला है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो 200 किलो रहेगा। अब इसको कर देते हैं अपन ऑन, और यहाँ पे ये मशीन ऑन हो चुकी है। ये भी हमने टच दिया है, वॉशिंग के लिए अलग से इसके अंदर सिस्टम दिया है, और उसी के साथ यहाँ पे आपको स्पीड कंट्रोल करने के लिए मिल जाएगा नॉब। तो बहुत ही कमाल के फीचर के साथ ये मशीन आती है, और इसके अंदर टेम्परेचर हाई कंट्रोल वगैरह आप सारा का सारा अरेंज है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे कि मतलब कि कुछ ही सेकंड के अंदर मशीन ने बर्फ बनाना वो स्टार्ट कर दिया है। ग्रैप्स का भी ये कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो आप देखोगे मतलब कितना पावरफुल मशीन है ये। और यहाँ पर दोस्तों इस मशीन के अंदर भी हमने वॉशिंग का सिस्टम दिया, बहुत ही कमाल की मशीन रहने वाली। अगर आप बर्फ़ का गोला बनाना चाहते हैं, रिसेंट जो मैंने आपको पीछे मशीन बताया था, इसके अंदर मतलब आप देखोगे कि कितना बड़ा बर्फ़ का गोला मतलब कि बर्फ़ का पहाड़ पूरा तैयार हो चुका है। कंटिन्यू मशीन रन कर रही है। इसके बाद जब अपन ये मशीनरी बात करते हैं बड़ी मशीनरी के अंदर, तो बड़ी मशीनरी ने अपना प्रोडक्शन है वो कुछ इतना कर दिया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों इस मशीन ने अभी अपना काम है वो स्टार्ट कर दिया, मतलब कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपका बर्फ़ का गोला है वो कंटिन्यू तैयार हो जाएगा। इसको अपन स्पीड को कम तेज करेंगे तो इसकी डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव होगा आप देखोगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस मशीन से भी बर्फ़ का गोला बना लेते हैं। ये मैंने लिया
कटोरी आप अलग अलग कटोरी ले सकते हैं आपके हिसाब से, आपकी क्रिएटिविटी क्या काम करती है, आपका दिमाग कैसे कैसे कितना काम करता है इसके ऊपर, इसको आप कितना डेकोरेट करते हो, सारा पैसा उसी का है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली बर्फ़ का गोला तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा फास्ट कर देते ताकि फास्ट अपने बहुत ही अच्छे ढंग से वो माल निकल जाएगा। कंटिन्यू आप देखो कि कितने अच्छे ढंग से, जितना बड़ा करते उतना आपका माल है वो बहुत ही अच्छे ढंग से वो मतलब कि पूरा का पूरा फिनिशिंग के साथ है वो निकल रहा है। अभी आप इसको आराम से कस्टमर को है वो दे सकते हैं। तो ये कुछ फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है अपना इस प्रकार से। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो हरे ने तो पूरा का पूरा अपना खुद का पहाड़ ही बना दिया है, पूरा मतलब कि पहाड़ इसका है वो कंटिन्यू बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। और जो केसरिया है जो मतलब कि बड़ी मशीन है, इसने भी प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन इसके अंदर हमने इसको स्पीड को कम किया था, इसकी स्पीड को भी हम बढ़ा देते हैं। और ये वापस अब इसका भी मतलब कि पूरा का पूरा सेटअप हो गया। आप अपने बिजनेस के हिसाब से कौन सा मॉडल सेलेक्ट करते हैं वो आप है वो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पिछली मशीन थी इस मशीन के अंदर क्या खास बात है, तो मैं आपको नॉर्मल वे के अंदर जैसे बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस रोलर के ऊपर क्या बर्फ़ जमता है, इसके अंदर बर्फ़ जमता है। तो अपन क्या करते हैं इस मशीन को, जैसे कि मैंने सीधा बंद कर दिया, यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। जो हमारा पुराना जो मशीनरी था ना उसके अंदर क्या था कि इसके ऊपर जैसे ही बर्फ़ जमता है ना तो उसके अंदर नॉर्मल मोटर लगा हुआ था, गियर सिस्टम के साथ मोटर नहीं था, तो वो इसको क्या करता कि बर्फ़ को नहीं जमता, ये रोलर पूरी तरीके से जाम हो जाता था, फिर उसको कपड़े से वगैरह करना होता था। लेकिन इस मशीन के अंदर क्या खास बात है, इसको मैं जैसे यहाँ से ऑन करता हूँ ना, ये मैंने इसको ऑन कर दिया, बहुत ही अच्छे प्रेशर के साथ ये पूरा का पूरा मतलब कि बर्फ़ है ना यहाँ से मशीन है वो रन कर देगी। तो ये गियर सिस्टम आपके यहाँ पे काम आएगा जब इसके ऊपर पूरा बर्फ़ लगा होगा। सेम चीज़ गियर सिस्टम हमने इसी मशीन के अंदर भी दे दिया है। यहाँ से मैं अगर इसको ऑफ कर देता हूँ, मैंने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी ये मैं कुछ ही सेकंड रखूँगा ना तो बर्फ़ की एक मोटी सी और लेयर जम जाएगी, क्योंकि ये जो रोलर है ना ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑन, और ये आप देखोगे कि तो मतलब कि ये सेम सिस्टम इसके अंदर हो गया, मशीन अपना काम स्टार्ट कर दिया है। पुराना वाला मशीन है इतने टाइम के अंदर कभी स्टार्ट नहीं होता है, और ये का ये सेम मशीन अभी ये ऑटोमेटिकली इसके टाइम बाद जब भी अपना बर्फ़ का गोला बना दिया था ना इसने, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक है। इसके अंदर वो सेटअप किया हुआ है। अगर इसको मैं वापस यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अब देख रहा है इसके ऊपर कितनी मोटी लेयर जमी हुई, उसके बाद इसने काम है वो स्टार्ट कर दिया। तो ये गियर सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग आखिर हमारे कहाँ पे काम आते हैं, इसको थोड़ा सा अपन साइड के अंदर कट देते हैं, मतलब कि कंटिन्यू बर्फ़ बनाते ही जाएगा जितना बर्फ़ करोगे, ठीक है। अब ये क्लीनिंग क्या होती है कि मुझे ये वाला क्लीन पार्ट करना, ये कितने टाइम में क्लीन होता है, तो मैं ऐसे मशीन को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑफ़ कर दिया मैंने यहाँ से इसको, वॉश के ऊपर जैसे क्लिक कर देता हूँ यहाँ मशीन और ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको मतलब कि वॉश कर देगी। जो इसके ऊपर लगा हुआ आप देख पाओगे कि मतलब कि बहुत ही अच्छी सी मोटी सी परत है वो बन गई है, और इसको पूरा का पूरा क्लीनिंग करने के अंदर जस्ट कुछ ही सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा अच्छे ढंग से आपके क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे मतलब कि 2 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से है वो क्लीन हो चुका है, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा का पूरा पार्ट इसका है वो क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों ये पूरे अच्छे ढंग से मतलब कि क्लीन हो चुका है। आप देखोगे मतलब कि यहाँ पे भी जो साइड के अंदर जो बर्फ़ लगा हुआ ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ से वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा, बराबर खा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू मशीन अपना काम है वो कर रही है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप मशीन से मतलब कि यूज़ करोगे। वैसे नॉर्मली आप एक मशीन से भी काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे अलग अलग फ्लेवर के लिए 3 मशीन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप उसका भी बताता हूँ कि एक ही मशीन से सारा आप सिस्टम है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट गोला, जैसे कि ये मशीन हमारी चल रही है और कंटिन्यू मशीन को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कस्टमर आपके पास आता है उसी टाइम आपको चलाना है, 2 सेकेंड के अंदर ये मशीन एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। मुझे ये लेना है, ठीक है, मैंने लिया सिंपल सा, सबसे नीचे मैंने डाल दिया इस प्रकार से है, ये ऑरेंज कलर है, ठीक है। और यहाँ पे तो हालात ये हो गई है कि अभी ये लगभग लगभग नीचे जा रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से अपन है वो इस प्रकार से सेटअप कर देते हैं, ठीक है। और ये मशीन ने अपना काम स्टार्ट किया है, तो देखिए आप मतलब कि बर्फ़ का गोला अपना है वो तैयार हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसके अंदर तीसरा ऊपर फ्लेवर डालने वाले हैं, इसके ऊपर ये मैंने तीसरा फ्लेवर डाला है ग्रेप्स का, ठीक है। इसको वापस अपन थोड़ा सा ये वाला भी डाल देते हैं हल्का हल्का, ठीक है। उसके बाद ये हल्का हल्का ये वाला भी डाल देते हैं, ठीक है। और ये फाइनली कुछ इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट है वो तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि ये मैंने ट्रे यहाँ पर हटा दिया है,
ठीक है, ट्रे हटा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बड़ा सा ये वाला लेता हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर जस्ट है वो रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं रोटरी स्टैंड पे जैसे ही क्लिक कर दिया, इसने अपना काम चालू कर दिया और ये कंटिन्यू है, मतलब कि घूम रहा है कुछ इतनी स्पीड के साथ, मतलब कि आप देख पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड के साथ ये अपना प्रोडक्ट है वो निकाल रहा है। बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर आपका वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अभी अगर मुझे इसके अंदर सेटअप करना है हरे वाले के अंदर, तो मैं इसके ऊपर भी लगा देता हूँ ये वाला, इसके अंदर भी फील हो रहा है अपने, वैसे बहुत ज़्यादा जम गया है। मशीन को आपको तभी चलाना है जब रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मशीन को बंद कर दो। जब आपको रिक्वायरमेंट लगती है मशीन को यहाँ से स्टार्ट कर दो और आपका जो काम है वो चालू हो जाएगा, गियर सिस्टम के साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कस्टमर आपके पास आता है उसी टाइम आप स्टार्ट करोगे, मशीन जस्ट 2 सेकंड के अंदर है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका तीसरा प्रोडक्ट भी आप है वो यहाँ से कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। और फाइनली ये वाला आपके प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से तैयार हो चुका। तो यहाँ पर दोस्तों है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीनरी, जो मार्केट के अंदर मशीनरी मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा एडवांटेज है इस मशीन के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ये मशीन फुल्ली स्टेनलेस स्टील 304 के साथ आती है, उसी के साथ ये रहता है सबसे बेस मॉडल, सबसे छोटा वाला मॉडल रहता है। और इसके बाद इसके अंदर भी वो सारे सिस्टम हमने दिए हैं, ऑटो क्लीन का भी इसके अंदर सिस्टम है, ऑन ऑफ का भी सिस्टम है, इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है, जो ये रोटर घूमता है इसके अंदर गियर सिस्टम डाला हुआ है, मतलब कि ये मशीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर दोस्तों इस मशीन का गारंटी वारंटी रहेगा 1 साल और ये है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। और यहाँ पर दोस्तों इस मशीन को आप आसानी से इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं और नॉर्मली जो अपने घरों के अंदर लाइट कनेक्शन आता है ना उस पर भी चला सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा दूसरा जो मॉडल रहने वाला, ये थोड़ा इससे भी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत 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 ही ज़्यादा रहने वाली है। प्राइस सेगमेंट रहेगा, अगर आप हमें कॉल करते हो तो इसका प्राइस सेगमेंट आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और इस मशीन के अंदर भी वो सारे फीचर दिए हैं जो इस मशीन के अंदर है, लेकिन इस मशीन की जो कैपेसिटी है जो प्रोडक्शन करने की वो थोड़ी ज्यादा है। इसके अंदर जो गियर सिस्टम डाला हुआ वो इससे भी थोड़ा ज्यादा पावरफुल है और इसके अंदर भी हमने क्लीनिंग का सिस्टम दिया। और इसी के साथ सबसे अच्छी बात, इसके अंदर आपको ये रोटरी स्टैंड जो आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट इसी मशीन के साथ आपको मिल जाएगा, जो कि इस मशीन के साथ अटैच आएगा। और उसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो ये रहता है नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्शन, जो कि है कमाल की मशीनरी, फुल्ली टच स्क्रीन के साथ ये मशीन आने वाली है और इसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो टच स्क्रीन के माध्यम से। और इसी के साथ आपको यहां पे रोटरी स्टैंड बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और ये ट्रे भी इसी के साथ आपको फ्री मिलेगी साथ के अंदर ही। ये 2 डब्बे इसी मशीन के साथ भी है, इस मशीन के साथ भी है, इस मशीन के साथ भी है। और सबकी जो गारंटी वारंटी रहेगी वो 1 साल की रहेगी और इसको आप नॉर्मली अपने घरेलू बिजली कनेक्शन पे चला सकते हैं। और इस मशीन को आप जल्दी से बाय कर लीजिए, राइट ह्यूमन एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस मशीन को आप आसानी से वो खरीद सकते हैं। 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये का नॉर्मली मिनिमम अमाउंट एडवांस रहेगा और बाकी का अमाउंट वो रहेगा आपके सीओडी के अंदर। तो जल्दी से जो हमारा पुराना मॉडल था उससे कहीं ज़्यादा एडवांटेज है इस मशीनरी के अंदर, तो जल्दी से बाय कीजिए राइट ह्यूमन की स्पेशल स्नो फ्लैक मशीन। और इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।